यो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं अपनी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम कर रहे हैं यहाँ पे 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज, और इस चैलेंज में हमारा 9th डे आज। और तुम लोग भाई यहाँ पे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो वीडियो को, तो लाइक कर दिया करो जिससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले यहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लो ताकि मेरी वीडियो जैसे ही आए तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। सो जैसे कि तुम्हें पता होगा भाई, लास्ट एपिसोड में मैंने अपना ये प्यारा सा घर बनाया था, और अभी इसके अंदर की हालत तुम देख सकते हो कुछ ऐसी है भाई, खाली पड़ा है पूरा। और ये हमारा चोमू, इसका नाम आज से चोमू है भाई। तुम में से किसी ने, एक बंदे ने इसको नाम दिया था चोमू, तो आज से इसका नाम चोमू है, इसको चोमू बोलेंगे हम। और अभी हमारा घर एकदम खाली है भाई। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हमारा वर्किंग स्टेशन होगा, उधर एन्चेंटमेंट रूम, और ये जो जगह खाली है यहाँ पे मैं अपने आर्मर स्टैंड लगाऊंगा, एक इधर और एक इधर। और फिलहाल यहाँ पे मेरे को एक पेंटिंग भी लगानी है भाई, जिससे मेरा घर थोड़ा अच्छा लगे। थोड़ा डेकोरेट भी करना है, वो अभी नहीं करेंगे हम। जैसे कि तुम लोग को पता होगा भाई, मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि इस विलेज को मुझे कुछ ज्यादा ही तगड़ा बनाना है, तो भाई उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी तगड़ा बनाने के लिए। और जो इतने सारे विलेजर्स हैं इस विलेज में, उनको खाना पीना है वो तो देना पड़ेगा भाई, और मेरे को अपने लिए भी चाहिए, खुद के लिए। भाई देखो लिटरली ये बचा है बस, और रोटन फ्लैश है थोड़ा बहुत, यही खाना बचा है मेरे पास। तो आज की सारी वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक प्यारा सा वीट फार्म। भाई मैं कोई ऑटोमेटिक नहीं बना रहा, मैं खुद से वीट तोड़ूंगा उसके अंदर, और एकदम प्यारा सा बनाना है मेरे को। और मैंने डिसाइड करा है भाई, जो हमारा पेड़ है कितना बढ़िया लग रहा है, तुम ये देखो ध्यान से, ऐसा लग रहा है कोई होली ट्री होगा हमारा। इसी पेड़ के आसपास राउंड में मैं एक प्यारा सा वीट फार्म बनाने वाला हूँ, सो उसकी तैयारी करनी है मेरे को, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, रुको यहाँ पे थोड़ी बहुत वुड है मेरे पे, ये निकालते हैं, इसका आधा आधा करके इनमें डाल देता हूँ जब तक ये मेरा स्मेल्ट ही हो जाएगा आयरन। और आयरन स्मेल्ट हो रहा है, तब तक मैं अपना एक काम करता हूँ, मैं अपने सारे टूल्स नए बना लेता हूँ स्टोन के। भाई सब टूट रहा है मेरा यहाँ पे, बाकी कुछ मेरे को जरूरत भी नहीं है। अभी चलते हैं यहाँ पे आउटलाइन करने। ओके तो भाई मेरे को यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इधर से ही बनाना स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो 1 2 3 4 और एक ओ भाई यार, ये तो सेंटर में नहीं आ रहा, थोड़ा मेरे को थोड़ा सा और इसको साइड में खिसकाना पड़ेगा। रुको एक मिनट भाई, इस काम के लिए मेरे को डर्ट लानी चाहिए, रुको डर्ट लेके आता हूँ मैं। बहुत सारी डर्ट पड़ी है मेरे पास यहाँ पे, इतनी सारी है, यहाँ से एक्स्ट्रा उठा लो। ओके अभी मैं सोच रहा हूँ भाई, मैं जमीन पर नहीं रखता, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ यहाँ पे। ओके भाई अभी इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 4 यहाँ पे लग गए 2। ओके भाई मेरा सर्कल यहाँ पे ये पूरा हो चुका है, और अभी पहले मैं इसको खोद देता हूँ भाई, ये ठीक लग रहा है, सर्कल मेरा बन चुका है। अभी मेरे को बस इसके बाहर एक बॉर्डर बनाना है काफी ज्यादा प्यारा सा, जिसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे फेंस और थोड़ी बहुत स्टोन की वॉल। तो भाई फेंस तो यहाँ पे नॉर्मल वाली मैं बना लेता हूँ काफी सारी, और स्टोन की वॉल भी यहाँ पे बनाते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फेंस मेरे को बनानी है, तो पहले थोड़ी बहुत स्टिक बना लेते हैं, और अभी बाकी के यहाँ पे मैं, और अभी बाकी इतनी वुड का मैं यहाँ पे प्लैंक बना लेता हूँ, और इनकी सबकी फेंस। ओके भाई कुछ ज्यादा ही बन चुकी है ये, और अभी मेरे को थोड़ी बहुत इनसे वो भी बनानी है भाई, इसके फेंस डोर भी तो बनाने पड़ेंगे मेरे को, वो भी मैं बना लेता हूँ, इतना बहुत है। और भाई मेरे को याद है लास्ट एपिसोड में यहाँ पे काफी सारा कॉबल स्टोन, नहीं भाई ये स्टोन ब्रिक्स बचे थे, हाँ ये रहे स्टोन ब्रिक्स, से यहाँ पे मैं स्टोन वॉल बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। आई थिंक इतनी बहुत होगी, बाकी बाद में बना लेंगे। और अभी भाई रात हो गई, चलो एक काम करते हैं पहले सो जाते हैं। ऑलराइट अपना नेक्स्ट डे यहाँ पे हो चुका है। ओ शिट, ओ भाई सब मेरा घर खराब कर दिया यहाँ पे क्रीपर के बच्चे ने यार, शिट भाई इसको ठीक करो पहले तो। ओके भाई मैं रैंडम यहाँ पे थोड़ी बहुत चला देता हूँ, ओ ये क्या कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, जब तक अपना काम मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक ब्लॉक का गैप देके यहाँ पे मैं रास्ता बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर 2 ब्लॉक का गैप देते हैं भाई, डिस्टेंस भी तो होना चाहिए चलने के लिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 भाई ऐसे ये बनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, रुको मैं एक काम करता हूँ पहले मैं ब्लॉक से बनाता हूँ। ओके पहले मैं इन वॉल से बना के ट्राई करता हूँ, 1 2 3 4 इसके बीच में 3 ब्लॉक का गैप है, तो मेरे को हर जगह से 3 ब्लॉक का गैप लेना है इसके बीच में। ओके भाई फाइनली ये पूरा हो चुका है, और अभी रुको पहले मैं सो के आ जाता हूँ। ऑलराइट भाई, तो अपना नेक्स्ट डे यहाँ पे हो चुका है, और भाई निकल यार तू क्या कर रहा है यहाँ पे हट। ओके भाई ये देखो मैंने इतना बना दिया है सर्कल इसके आर पार बाहर की तरफ, और अभी भाई ये पूरा ऐसे वॉल का नहीं रहेगा, मैं इसके बीच बीच में फेंस लगाने वाला हूँ। अब यार फेंस अच्छी नहीं लग रही भाई, छोड़ो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ही रहने देता हूँ अभी तो एज इट इज, बाद में इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं अपने सेंटर का काम करता हूँ, यहाँ से मेरे को हर तरफ जाके सेंटर के 2 ब्लॉक तोड़ने हैं। ओके भाई फाइनली ये हो चुका है पूरा, और सेंटर मेरा ये वाला था भाई, क्यों ना मैं इस पेड़ की ब्रांच को 1 ब्लॉक खिसका दूं भाई, ये करके देख लेते हैं एक बार, अगर बेकार ना हो ये पेड़ तो। मेरे को बस इसकी जगह
ऐसे और इसकी जगह ऐसे करना है और इसको बस यहाँ से नीचे जोड़ देना है, हो गया। और भाई कुछ पता नहीं लग रहा ज़्यादा कुछ, ये वैसा सही है, मैं थोड़ी बहुत और लगा देता हूँ रुको ऐसे, अब ठीक है भाई ये। और अभी ये सेंटर में भी आ चुका है। अगर मेरे को रास्ता बनाना हो बीच में एक ढंग का सा, मेरे को सेंटर बनाना है, अभी तो बस इसके यहाँ पे चारों तरफ गेट इन में लगा देता हूँ मैं। ओके भाई मेरे एरिया का सीन भी यहाँ पे डन हो चुका है और अभी बस मेरे को यहाँ पे इनके बीच में एरिया काटना है, तो ये यहाँ से एक अलग एरिया हो जाएगा ये इतना। ओके भाई ऐसा करके एरिया होंगे ये। अभी मैं बीच की ये पहले डर्ट साफ करता हूँ यहाँ की। ओ भाई यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस अब बन चुका है और अभी ये अच्छा लग भी रहा है सर्कल में, परफेक्ट भाई ये अच्छा हो गया है। और बीच में हमारा ट्री भी अच्छा है, बस ये थोड़ा सेंटर की थोड़ी दिक्कत हो रही है, यानी कि कोई नहीं भाई इसका सेंटर है ये। दोबारा से रात हो गई, पहले सो के आता हूँ। ऑलराइट भाई तो फाइनली मैंने इतना कुछ यहाँ पे बना लिया है और ये एक तरीके से अच्छा भी लग रहा है। बट भाई मैं सोच रहा हूँ फेंस की जगह फेंस गेट का यूज करते हैं और बीच बीच मैं वॉल लगा दूंगा एक एक, तो ये काफी ज्यादा प्यारा लगेगा। ओके तो ऑलराइट भाई तो मैंने इसको अभी कुछ ऐसा सा बना दिया है और भाई थोड़ी बहुत यहाँ पे लीप्स लाके मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स तोड़ के इनके बीच में स्प्रे ये भी लगा दी भाई, ये देखो ऐसे ऐसे लग रहे हैं बाहर से। यहाँ पे कॉर्नर में ब्रिक लगाता, मैंने ब्रिक तोड़ के यहाँ पे ऐसे लीप्स लगा दिए, ये अभी अच्छे लग रहे हैं। और अभी इसके अंदर मेरे को हो भी करना है तो यहाँ पे मेरे को पानी का सोर्स भी लगाना पड़ेगा। भाई मेरे को एक चीज ट्राई करनी है, अगर मैंने लीफ के अंदर पानी डाला तो क्या ये काम करेगा? अगर ये काम करेगा तो भाई ये काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ओ भाई ये काम कर रहा है लिटरली, भाई लीव्स के अंदर पानी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे और ये मेरे हिसाब से दूर दूर तक का काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं होएगा तो यहाँ पे भी थोड़ी और लीव्स मैं और लगा दूंगा जिससे मेरा दिखने में भी खराब नहीं लगेगा ये, जैसे कि यहाँ यहाँ लगा सकता हूँ मैं, ये परफेक्ट है एकदम। इन दोनों जगह पे भी एक एक लीव्स लगा देता हूँ ताकि इनके अंदर भी मैं पानी भर पाऊँ। ओके भाई इतना कर दिया है मैंने यहाँ पे, अभी बस एक पानी का सोर्स और लेके आना है मेरे को यहाँ से। अनलिमिटेड सोर्स बनाते हैं और हर एक लीफ के अंदर पानी भरते हैं यहाँ पे, 2 मिनट देना बस मुझे। ओके भाई फाइनली मेरा काम ये पूरा हो चुका है यहाँ पे और अभी बस मेरे को यही ट्राई करना है कि अब क्या मेरे को यहाँ पे पानी डालने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं। यहाँ पे मैं हुए कर देता हूँ पहले तो पूरे में। ओके भाई अभी मैंने ये भी कर दिया है और यहाँ पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे हर जगह इसको पानी आराम से मिल रहा है भाई, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे कहीं पे पानी डालने की मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी और ये अभी ऐसे ही अच्छा लग रहा है। रुको मैं दोबारा से डे कर देता हूँ अभी। ऑलराइट भाई तो फाइनली मैंने इतना काम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चेस्ट का एरिया बना दूँ। भाई अभी तो ये ट्री हाउस ऐसा ही है, मतलब ये ट्री है, इन फ्यूचर यहाँ पे मैं एक बड़ा सा ट्री बना के यहाँ पे एक ट्री हाउस भी बना सकता हूँ। भाई अभी एक काम करते हैं, पहले तो विलेज के अंदर से अलग अलग आइटम लेके यहाँ पे लगा भी देते हैं। ऑलराइट भाई फाइनली मैंने यहाँ पे कैरेट पोटैटो वीट सीड और यहाँ पे बीट रूट सीड भी लगा दिए हैं। यहाँ पे हमारी वीट उग रही है, यहाँ पे है बीट रूट, यहाँ पे कैरेट और यहाँ पे पोटैटो। भाई कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है ये, और इन फ्यूचर भाई मैं इसका ये ट्री को भी काट के बड़ा सा ट्री बनाऊंगा। सो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप तुम्हें आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं बोलूंगा तुमसे ऐसी जा सो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।